अस्सलाम वालेकुम मैम। चलें बिस्मिल्लाह प्रॉब्लम की कल भी मैंने बताया था आपको, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट जो आपके पास होती है प्रॉपर्टीज, उसके लिहाज से जो है ना, वो आप स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, आपके पास है टोपोलॉजिकल स्पेस का, तो आपके पास क्या है कि एक्स जो है आपके पास कोई भी सेट है आपके पास, ठीक है, और टा क्या है आपके पास, ऑन एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स ईच कॉल्ड एन ओपन सेट। तो हम क्या कहते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, तो सबसेट्स को हम कहते हैं जो ओपन सेट्स हैं। और सच दैट के आपके पास ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है आपके पास, ये जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है कि आपके पास एम्प्टी सेट और जो एक्स है ये आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेक्शन के अंदर होना चाहिए। सेकेंड जो है कि अगर आप फाइनाइट कलेक्शन लेते हैं, यू वन यू टू अप टू सम यू वन, ये फाइनाइट कलेक्शन एलिमेंट्स को का, अगर हम कोई भी कलेक्शन लेते हैं, चाहे वो दो की ले लें, तीन की ले लें, चार की, पाँच की, छः, जितनी मर्जी आप ले लें, ठीक है, जो आप कलेक्शन लेते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो आपके पास क्या है फाइनाइट लेकिन हो, तो उनकी जो इंटरसेक्शन है वो फिर आपके पास अगेन टोपोलॉजी का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। और जो थर्ड थी कि आपके पास कोई आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, अभी ना आप जरा आर्बिट्रेरी को अभी छोड़ें, कि ये अभी आप तीन चार एग्जाम्पल जब आप करोगे रियल नंबर्स का भी सबका, फिर आपको आर्बिट्रेरी का भी पता चल जाएगा। आप कहते हैं कि एनी कलेक्शन, ठीक है, तो कोई भी आप कलेक्शन लें एलिमेंट्स की, का की, यहाँ पर ना ये ऑफ टा भी लिखा हुआ है, वो मैंने लिखा नहीं है, तो लेट मी बी एनी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाओ, जबकि टाओ के एलिमेंट्स हैं, तो दिस इम्प्लाइज कि इनकी जो यूनियन है वो जिसके अंदर होनी चाहिए। तो तीन प्रॉपर्टीज हैं, एम्प्टी सेट और एक्स का के अंदर होना चाहिए, कोई भी आप फाइनाइट कलेक्शन लें एलिमेंट्स की जो इंटरसेक्शन है वो भी अगेन टा के अंदर होनी चाहिए। फिर टा में से आप कोई भी कलेक्शन ले लें, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इन्फिनिट हो, तो उसकी जो यूनियन है वो अगेन आपके पास क्या होनी चाहिए, टॉप के अंदर होनी चाहिए। अगर तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये जो टॉप कलेक्शन की सबसेट थी आपके पास टोपोलॉजी एक्स के ऊपर, और हम कहते हैं एक्स के अगर जिस टोपोलॉजी इज टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। ये कल एग्जाम्पल भी हमने की थी, सर अगर एक्स जो है वो ए बी सी है, कोई भी आपके पास सेट है, तो ये चार कलेक्शन ली थी हमने, एक आपके पास टॉप वन, टॉप टू, टॉप थ्री, और ये आपके पास क्या है एक यू ली है। मैंने इसको टास्क में लिखा कि तीनों टोपोलॉजीज थी, इसलिए मैंने टाओ के साथ किया, और ये चीजें टोपोलॉजी नहीं थी इसलिए मैंने इसको यू के साथ किया, ठीक है। तो पहली क्या थी, इसमें एम्प्टी सेट था, एक्स था, ए था और ए बी था। तो अगर आप इसको देखें तो इनकी यूनियन इंटरसेक्शन सारा इसके अंदर ही है, इन दोनों के अगर आप यूनियन लेते हो तो ए बी आता है वो भी इसके अंदर है, इनकी इंटरसेक्शन लेते हो वो ए आता है वो इसके अंदर है, एक्स के साथ लेंगे तो जाहिर है तो वही सबसेट आ जाएगा, और अगर एक्स के साथ यूनियन लेंगे तो एक्स आ जाएगा, एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो जो यूनियन और इंटरसेक्शन वाली सारी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या है कि फिर आपके पास ये टॉप टू थे, एम्प्टी सेट था, एक्स था, ए था, बी था, ए बी था और बी सी, ये सब सेट्स थे, ठीक है, जो दूसरी कलेक्शन थी। तो उसमें भी आप देखें एम्प्टी सेट और एक्स है, फिर आप इनकी इंटरसेक्शन ले लो, इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इसकी और इसकी इंटरसेक्शन ए है वो इसके अंदर ही है, इसकी और इसकी इंटरसेक्शन बी है वो इसके अंदर है, ए और बी सी की इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी सेट है वो इसके अंदर है, इन तीनों की इंटरसेक्शन जो है ए बी और ए बी की इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, इन चारों की इंटरसेक्शन भी एम्प्टी सेट है, ठीक है। फिर आप दो की, तीन की, चार की जब इनके आपस में इंटरसेक्शन लेते हो तो वो इसके अंदर ही है। फिर उसके बाद क्या है, अगर आप यूनियन लेते हो तो ये यूनियन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, यूनियन की जो प्रॉपर्टीज है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो है ये आपके पास टोपोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ऐसे ही है कि एम्प्टी सेट और एक्स है, ये सबसेट्स हमने लिए हैं ए सी और ए सी, तो आप इन दोनों की इंटरसेक्शन ए और सी की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है उसके अंदर ही है, इन दोनों की यूनियन जो है तो आपके पास ये आ रही है, इन तीनों की इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है उसके अंदर है, और इन तीनों की जो यूनियन है वो आपके पास ए सी है वो भी इसके अंदर है, एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वही एलिमेंट्स आ जाएगा, और अगर आप इसके अलावा लेते हैं
एंटी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, एंटी सेट का आगे का यूनियन लेते हैं, तो आपके पास वही है, ठीक है। तो आपके पास ये भी जो है, ये भी आपके पास इक्वालिटी है। फिर नेक्स्ट था, ये आपके पास चौथा सेट था, एंटी सेट था एक्स का, ये ए बी और सी और ए बी। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रही है, यूनियन वाली नहीं कर रही, ए और सी की यूनियन नहीं है, बी और सी की भी यूनियन नहीं है इसके अंदर ना, और इन तीनों की यूनियन भी नहीं है, ए बी ए की तीनों की यूनियन तो है वो एक्स है, ए बी और सी वो एक्स, ठीक है। क्लियर है सबको? कुछ पूछना है तो मुझसे पूछना, अगर कोई प्रॉब्लम है। यस मैम, क्लियर मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल हमने किया, आप और भी बना सकते हैं, मैंने आपको दिया था आपने ना। अब एक एग्जाम्पल हमने ये की थी, फिर आपके पास क्या था, एंटी सेट और एक्स अगर आप लेते हैं तो ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। ये आप चेक कर लीजिए, और इंटरसेक्शन एंटी और यूनियन की प्रॉपर्टी सारी सेटिस्फाई हो रही है, ये भी टोपोलॉजी है, इसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। फिर जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें आपके पास क्या है, पावर सेट है, आपने सारी ले ली, ये भी टोपोलॉजी है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तीनों प्रॉपर्टीज हैं वो इसकी सेटिस्फाई होती हैं। तो जो पावर सेट है वो टोपोलॉजी है, क्योंकि एंटी सेट और एक्स हैं वो सबसेट्स हैं, वो पावर सेट के अंदर हैं, वो इसके अंदर हैं। फिर आप कोई भी सबसेट लें, उनकी सबसेट लें, पावर सेट लें, ठीक है। फिर आप उनकी इंटरसेक्शन लो कोई भी, तो गेन इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका ही एलिमेंट है, ठीक है। इसका हम ये पावर सेट है, इसलिए ये भी आपके पास क्या होता है, टोपोलॉजी है। अब ये नेक्स्ट हमें एक और एग्जाम्पल करनी है कि आपके पास आर विद फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी ऑन आर। ये हमने कैसे लिया है कि आर विद, इसको का को हमने ना, ये इसकी म्यूटेशन, ठीक है। आर एक्सिस के सबस्क्रिप्ट में आर विद फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी, उसके अंदर क्या होता है, एंटी सेट होता है, आर होता है, और तमाम ऐसे सबसेट से जिनके कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट, आर माइनस एक्स सबको डेफिनेशन, ठीक है। तो आप जो, हाँ जी सारा इकबाल, मुझे एक तो अपने आप को अनम्यूट करें, 15514 मुझे बताएं कि ऐसा आर का सबसेट जिसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट हो। हाँ जी सारा इकबाल, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। हाँ जी बेटा, बेटा मुझे ना एक ऐसा सबसेट बताओ, आपको डेफिनेशन की समझ लगी जो मैंने दी? ये जो मैम आपकी आवाज कभी कट के आती है, समझ नहीं आ रही क्या कह रही है। अब आ रही है आवाज आपको? जी अभी आ रही है। चलिए मैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, रियल नंबर्स में है हमारे, हम ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं। मुझे कोई ऐसा सबसेट बताएं आर का जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। ऐसा कोई आर का सबसेट जिसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है। हाँ जी, नहीं नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन की समझ लगी है ना सारा आपको? जी मैम समझ लगी। हाँ, आर का ऐसा सबसेट जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, बेसमान के सब इनफिनिट सेट है, इसके सबसेट भी इनफिनिट है। चलिए रोल नंबर ये जो है उज़ैर मकबूल, रोल नंबर 15506। हाँ जी बेटा मुझे बताओ आर का कोई ऐसा सबसेट जिसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट हो। आपकी आवाज कट के आ रही है, अच्छे समझ नहीं आ रही आपकी आवाज की।
अब आ रही आवाज। अब क्वेश्चन पूछे तो टेन करते, ऐसा मुझे आर का सबसेट बताएं जिसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनल हो। सॉरी मैम, वॉइस के कट कट के आ रही है। अब आ रही आवाज। मैंने अभी पहले क्लास ली है, बिल्कुल ठीक थी आवाज उनके लिए। आपका क्योंकि मैंने नेट पे अपना टीचर लाया तो। अब आ रही आवाज। हाँ जी उजैर, चले कि हाँ जी तहरीन 15524 तहरीन। यस मैम। हाँ जी बेटा, आपको क्वेश्चन की समझ लगी जो मैंने पूछा? जी मैम। हाँ जी, तो रियल नंबर का तो मुझे ऐसा सबसेट बताएं जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनल हो। मैम हम लोग 1, 2 और 7 दे सकते हैं। इसका 1, 2 और 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आर में से? मैम रियल नंबर्स में से, ये रियल नंबर्स में से आपने 1, 2, 7 लिया है, ठीक है? इसका जो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मैम रियल नंबर्स में से ये निकल जाएंगे और बाकी जो रह जाएंगे वो सारा इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। वो फाइनल होगा? यस मैम। नहीं बेटा, मेरे पास वो है नहीं है, वो भी मैं आपको बताती। आप अपनी कॉपी पे लिखें 1, 3, 5, 7, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या फाइनल है देखें। आर माइनस 1, 3, 5, 7, इसका कॉम्प्लीमेंट तो माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन इंटरवल, फिर 1 से 3 ओपन इंटरवल, फिर 3 से 5 ओपन इंटरवल, और फिर 5 से 7 ओपन इंटरवल, और फिर 7 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। समझ आई आपको? मैम समझ नहीं आई। मैंने क्या अभी आप कॉपी पे लिखो सारे लोग 1, 3, 5 और 7 का आर में से इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आर? सारे अपनी कॉपीज पे लिखो। हाँ जी 1, 3, 5, 7 का कॉम्प्लीमेंट, आपको कॉम्प्लीमेंट लेना आता है सेट का कि कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? यस मैम। हाँ जी, तो इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट बताओ 1, 3, 5, 7 का आर, आर माइनस 1, 3, 5, 7 क्या होता है? मैम 1, 3, 5 के अलावा बाकी सारे जितने भी हैं वो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे नंबर। तो ये फाइनाइट तो नहीं होगा ना? यस मैम। मैम अगर हम, हाँ जी बताओ। मैम अगर हम लोग रियल नंबर में से फाइनाइट को ही कर दें, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट ले, तब फिर वो फाइनाइट ही आएगा। वही मैं पूछ रही हूं, आप r - 1 3 5 7 ये वाला का सबसेट लेंगे ना, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा फाइनल। क्लियर है सबको? मैडम फाइनाइट कैसे आएगा? मैम ये समझ नहीं आ रहा। मैं कह रही हूं पे अगर ये लास्ट में समझ नहीं आ रहा। मैडम जब रियल जो सेट दिया एक 1, 3, 7 पर, जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे रियल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट इनफिनिट है। लेकिन अगर आप सेट लेते हो जो सेट ए है, ए जो है वो इक्वल है r - 1 3 5 फॉर एग्जांपल, जो सेट ए है वो लिखिए अपनी कॉपी पे, जो सेट ए है वो इक्वल है r - 1 3 5, ये सेट है ए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आर इसमें से माइनस हो जाएगा, फिर क्या आएगा? मैं 1, 3, 5 आ जाएगा। 1, 3, 5, 7 फाइनाइट नहीं? यस मैम। यस मैम। तो क्या हमने जब ऐसा भी सबसेट लेना है ना जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, तो उसके लिए क्या है कि आर में से आप फाइनाइट सेट माइनस कर दो, तो ये जो एक सबसेट है ना जिसका मैंने अभी बताया, ए जो है वो इक्वल है आर माइनस 1, 3, 5 फॉर एग्जाम्पल, ये सबसेट है आर का, ठीक है? तो जब आप ए कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 1, 3, 5 आएगा। फिर जितना r माइनस 1 कर दो, r माइनस 1 जब आप करते हो तो उसका एक सेट लिया r माइनस 1, तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1। फिर इसी तरह अगर मैं एक और सेट लेती हूँ r माइनस 1, 2,
उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा अपॉन टू। फिर इसी तरह आर माइनस एक फाइनाइट सेट, आर में से अगर एक फाइनाइट सेट माइनस कर देते हैं तो ये भी एक सबसेट होगा ना, कि जब उसका कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे तो वो क्या आएगा, वो फाइनाइट आएगा। तो वही यहाँ पर बताया हुआ है कि ये आर जो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट क्वालिटी जो बनाई है उसके एलिमेंट क्या है, वो एक एम्प्टी सेट है आर है, और कौन से ऐसे सबसेट्स हैं कि जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, आर माइनस फाइनाइट सेट, जिसका मतलब है आर माइनस फाइनाइट सेट, कि आर वैसे हमने फाइनाइट सेट पे वो माइनस किया। क्लियर है सबको? अगर आपको क्लियर नहीं है डेफिनेशन तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि आगे फिर इसको प्रूव करना चाहिए टोपोलॉजी। मैम एक दफा दोबारा बता दें बेटा, कहाँ से समझ नहीं लगी मैं आपको, वही सबको बता दें मुझे पता चल रहा कहाँ से समझ नहीं लगी कि आर माइनस एफ का, आर माइनस एफ का समझ नहीं आया आपको? जी मैम। तो इसमें यहाँ से क्या देखें, यहाँ पर के जो आर फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में कौन से एलिमेंट हैं आपके पास, क्या है एम्प्टी सेट है, आर है, और तमाम ऐसे सबसेट्स हैं कि जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। ये ना स्पेशल है टोपोलॉजी हमने डिफाइन की है, ये हम जब आप आगे पढ़ेंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि हमने क्यों आर के ऊपर ये वाली टोपोलॉजी बनाई है। ठीक है, कई दफ़ा जो स्पेशल टोपोलॉजीज बनाते हैं हम इसीलिए बनाते हैं काउंटर एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें क्या है कि तमाम इसमें क्या कौन से एलिमेंट है, एक तो एम्प्टी सेट है, एक आर है, और इसमें ऐसे हमने सबसेट लिखे हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट। तो जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है वो किस तरह आपके होंगे, वो आर माइनस फाइनाइट सेट होगा, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आएगा ना। अगर आर में से आप इन्फिनिट सेट माइनस करो करते हो सबसेट बनाते हो, तो सबसेट्स होते हैं आर के, वो ऐसे ही सबसेट लेते हैं ना, कुछ एलिमेंट लेते हैं कुछ एलिमेंट नहीं लेते हैं जो प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो हमने इसमें से ये स्पेशल लिए हैं, जिसमें मैंने अभी बताया कि एक सेट जितना मिलेगा ए जो लिया है वो आर माइनस वन है, हमने एक और सबसेट ले लिया आर माइनस वन टू, फिर एक और ले लिया आर माइनस वन टू थ्री, अब कुछ हुआ फाइनाइट, लेकिन हमने फाइनाइट ऐसे कैसे सबसेट्स लिए तो जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट। क्लियर है सबको कि हमने फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट, ये जो कलेक्शन ली है आर के सबसेट्स की, इसमें हमने क्या क्या लेना है, हमने एक एम्प्टी सेट लेना है, एक हमने आर लेना है, और हमने एक ऐसे सबसेट्स लेने हैं कि जिनका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो फाइनाइट है। ठीक है, क्लियर है? और जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आता है वो इस तरह के होते हैं आर माइनस फाइनाइट। क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है, अगर इसके लिए मसलन दो तीन दफा आप अपने हाथ से जब करेंगे इसको, एग्जांपल है कि बुक में भी ये है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना आपको चीज़ों की समझ आएगी। आप अपने हाथ जिस तरह मैं आप लोगों को बेटा ये भेजती ना लेटर, ये अपना लेटर रजिस्टर बनाए टोपोलॉजी का, उसमें ये दोबारा लिखा करें, क्योंकि कोई चीज़ें जिस तरह मैंने एक्सरसाइज दी हुई थी कि चेक करें इसको, ये टोपोलॉजी है कि नहीं है, जो पहले एग्जाम्पल दे दी मैंने, तो उसमें आपने खुद से लिखना है। हाँ जी, ये सारी जो डिस्कशन है वो सारी इसके अंदर है जो मैं बोलती हूँ ना, उसका इसलिए आप लोगों ने नोट्स बनाने, सिर्फ यही लेक्चर्स के ना रहे, बुक रखे अपने पास, मैं लेक्चर आपको लिख के भेजती हूँ वो रखें, और उसको दोबारा लिखें, तो जब दोबारा लिखेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। फिर भी कोई चीज़ें अगर आपकी रह जाती हैं तो फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में ना उनसे पूछ लिया करें। ठीक है, अब ये हमने एक लेक्चर ले ली, हमने एम्प्टी सेट लिया, आर लिया, और तमाम ऐसे सबसेट्स ले लिए कि जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट, तो उसकी जो आपके पास है इस तरह की शक्ल होगी उसकी ना। ठीक है, अब हमने क्या है इसको कहते हैं फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। अब हमने जैसे डिस्क्रीट टोपोलॉजी नाम है, डिस्क्रीट है, अब हमें प्रूव ये करना है कि ये टोपोलॉजी है। तो जो तीनों प्रॉपर्टीज है वो सेट्स का होनी चाहिए, पहले के एंटी सेट और एक्स जो है आर है, यहाँ पर जो एक्स है वो आर है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आर जब एंटी सेट और आर इसके अंदर होना चाहिए, फिर इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी, और फिर आपके पास क्या है यूनियन वाली प्रॉपर्टी। तो उसमें सबसे पहले ये एम्प्टी सेट और आर जो है ये तो इसके अंदर ही है, पहली प्रॉपर्टी तो बाय डेफिनेशन जो हमने, ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी है वो तो बाय डेफिनेशन ही है कि एम्प्टी सेट और आर इसके अंदर। सेकंड हमें प्रूव करना है, अब बेटा जब आपके पास फाइनाइट कलेक्शन होती है ना फिर तो आप सेट को लेके देख सकते हो, जब आप क्योंकि ये जो सेट्स आपने देखे कि आपके पास जो कलेक्शन है इसके अंदर इन्फिनिट सेट्स हैं, तो आप हर एक की नहीं देख सकते इंटरसेक्शन। फिर इसमें क्या होता है कि हमें जनरल प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो जनरल प्रूफ के लिए क्या है कि हमने क्या किया, यू वन यू टू फोर यू एन जो है हमने फाइनाइट कलेक्शन ले ली स्टार्स। क्लियर, ये जो कलेक्शन थी ना हमारे पास एम्प्टी सेट आर और तमाम ऐसे सबसेट्स के जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, उसमें से हमने फाइनाइट कलेक्शन लेनी सबसेट्स के। ठीक है, और अगर तो ये उसके अंदर है ये जो आपके पास कलेक्शन है
ये वाली कलेक्टर, इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, ये हमने फाइनल, अब हमें प्रूव करना है कि सेक्शन भी कहाँ पर होनी चाहिए, इसकी सेक्शन भी कहाँ के अंदर होनी चाहिए, ये अब हमें प्रूव करना है। हमने कलेक्टर ने भी ले ली और हमें प्रूव ये करना है कि इसकी इंटरसेक्शन भी कहाँ पर जा रही है, इसकी सेक्शन भी टोपोलॉजी के अंदर है। तो टोपोलॉजी के अंदर होने के लिए क्या जरूरी है, या तो एम्प्टी सेट हो या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनल, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, पहली बात तो ये है कि अगर इनमें से एक भी एम्प्टी होता है, ये यू वन से लेकर यू एन है ना, एक भी एम्प्टी है तो सेक्शन एम्प्टी आ जाएगी। दो ही केसेस हो सकते हैं ना, या तो ये एम्प्टी सेट हो या इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनल हो, क्योंकि ये टोपोलॉजी, ये स्टार के एलिमेंट है ना। तो या तो इसका क्या हो सकता है आपके पास, या तो इसका, या तो ये एम्प्टी सेट होंगे या तो कॉम्प्लीमेंट फाइनलाइट होंगे। तो पहला केस कि अगर तो ये इनमें से एक भी एम्प्टी है तो फिर इनके इंटरसेक्शन भी एम्प्टी आ जाएगी, ठीक है। इफ एनी वन ऑफ देम इज एम्प्टी देन द इंटरसेक्शन इज एम्प्टी इट बिलोंग्स टू स्टार, ठीक है, सेट पहले ही इसके अंदर है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हर एक नॉन एम्प्टी है, अगर हर एक नॉन एम्प्टी है तो फिर क्या होगा, फिर इनके कॉम्प्लीमेंट फाइनलाइट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है U1 कैसा होगा, R माइनस एफ वन की टाइप का होगा, U2 क्या होगा वो भी R माइनस एफ टू होगा, ऑन ये जो UN है ये भी किसके बराबर होगा, R माइनस एफ एन, किसके बराबर होगा, क्लियर है सबको। और अगर क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ रहे थे, चलिए ठीक है। इसका क्या है कि हमने, क्योंकि अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो फिर ये इस तरह के होंगे, क्योंकि दो तरह के एलिमेंट है ना, या तो वो एम्प्टी सेट है या आर माइनस फाइनल सेट, ठीक है। हम सपोज कर लिए पहला एम्प्टी सेट, अगर एक ही एम्प्टी सेट होता है तो इंटरसेक्शन एम्प्टी वो उसके अंदर चलेगा। सेकंड कि आपके पास ये इनमें से कोई भी एम्प्टी नहीं है, सारे नॉन एम्प्टी है, अगर सारे नॉन एम्प्टी है तो फिर वो इस तरह के होंगे। तो आपने जब इनकी इंटरसेक्शन लोगे, इन तमाम की इंटरसेक्शन जब आप लोगे तो बाई यूजिंग द मॉडल ना इसके इक्वल आए, ये इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लिखा है कि जब आप इनकी इंटरसेक्शन लोगे, ये सिंपल है, एफ वन का कॉम्प्लीमेंट है, ये एफ टू का कॉम्प्लीमेंट है, ये एफ एन का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। फिर जब आप इनकी इंटरसेक्शन लोगे तो कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन जब आपस में रिप्लेस करेंगे तो वो यूनियन बन जाएगी। ये आप लोगों ने ना इसको लिखना है दो स्टेप्स में, मैंने एक स्टेप खुद छोड़ा है वो आप लोगों के लिए, कि जब आप इनकी इंटरसेक्शन लोगे तो ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको देखना है, मैं कल आप लोगों से पूछूंगी। तो ये इंटरसेक्शन है, ये आपके पास इसके इक्वल आ जाती है। अब सारे जो एफ आई है वो फाइनाइट है तो फिर उनकी यूनियन भी फाइनाइट होगी, ठीक है। ये यूनियन आई थॉट वन टू वन इज आल्सो फाइनाइट। तो ये जो इंटरसेक्शन है ये आपके पास कब जाएगी उसके अंदर, टोपोलॉजी के अंदर, या तो ये एम्प्टी सेट हो या इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट जब इसका हम लेंगे आर माइनस दिस तो वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो फाइनाइट सेट है क्योंकि एफ आई सारे फाइनाइट है, इनकी यूनियन भी फाइनाइट होगी। इसका मतलब क्या है कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट आ गया, इसका मतलब ये है कि आपके पास इंटरसेक्शन है ये भी टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी हमने देखी, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास है यूनियन वाली। अब हम एक ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले ली, टोपोलॉजी के जो एलिमेंट है सारे के सारे, प्रूव ये करना है कि यूनियन भी टोपोलॉजी के अंदर, तो इसकी यूनियन भी टोपोलॉजी के अंदर अगर होगी, या तो ये एम्प्टी सेट हो या इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनलाइट हो, ठीक है, तभी होगी ना उसके अंदर। तो उसके लिए क्या है, अगर पहला केस अगर सारे एम्प्टी सेट हैं तो फिर इनकी यूनियन भी एम्प्टी हो जाएगी। अगर इनमें से सेकेंड केस क्या है कि अगर एक भी नॉन एम्प्टी है, सपोज के अगर अज्यूम दैट एटलीस्ट वन ऑफ यू आई इज नॉन एम्प्टी, अगर एक भी नॉन एम्प्टी है तो सपोज कर लिया वो ये है यू आई कॉम्प्लीमेंट, लिया तो इसी में से ना, ये वही सब में से, इसी में से कलेक्शन में से है, तो इसका क्या मतलब है, ये इसकी यूनियन में भी कंटेन करेगा, क्लियर है ये वाली बात। क्योंकि ये जो यू आई कॉम्प्लीमेंट है वो हमने यहीं से लिया, जिस तरह अगर ए और बी सेट हो तो ए जो है वो कहाँ होगा, वो ए यूनियन बी के अंदर होगा और बी भी ए यूनियन बी के होगा। तो ये जो यू आई प्राइम है ये इसी में से यू आई में से लिया है, तो उनकी यूनियन भी होगा वो। और आपको पता है कि अगर इसके अंदर कंटेन करता है तो इसका मतलब ये है कि इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये इसके रिवर्स हो जाएगी।
यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इसके अंदर देख रहे हैं, लेकिन जो डुअल कॉम्प्लीमेंट है ये हमने कहा था ये नॉन एम्प्टी है, वो टोपोलॉजी का एलिमेंट है, और अगर ये नॉन एम्प्टी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट होगा। अब ये वाला जो एलिमेंट है ये तो फाइनाइट हो गया, और ये वाला सेट जो है ये फाइनाइट सेट के अंदर कंटेन करता है, तो ये इंफिनिट तो नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये भी फाइनाइट हो गया आपके पास। तो ये फाइनाइट हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये अगर ये फाइनाइट है एक ऐसा सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, इसका मतलब है कि इसकी जो यूनियन है ये फाइनाइट, इसका मतलब ये आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट है ये भी फाइनाइट हो, और जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो तो वो सेट का होता है ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये यूनियन वाली जो प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई होगी ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लें। हाँ जी मैम, इंटरसेक्शन वाली एक बार दोबारा बता दें। इंटरसेक्शन इसमें से ना ये जो है बेटा ये चीज मैंने जो है ना ये वाली चीज यहाँ पर ये बस ब्रीथ की मॉडल ला लगना, ये सेट है ना यू आर यू टू अपनी सोल सोल यू है, आप इसी इंटरसेक्शन लोगों क्या आएगा आर माइनस एफ वन इंटरसेक्शन आर माइनस एफ टू इंटरसेक्शन आर माइनस एफ एन ये आएगा ना आपके पास। तो आपने क्या करना है वो लिखें, तो फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। ये एक स्टेप मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है कि आप इसको दोबारा से लिखें, तो फिर जब इसका आप कॉम्प्लीमेंट लोगे इस चीज का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपके पास यूनियन एफ आई आएगा ठीक है। तमाम एफ आई फाइनल है तो उनकी यूनियन भी फाइनल। अगर आपको अगर स्किल इसमें कोई प्रॉब्लम है ना तो आज बैठ के इसको आप करें, हम कल इसको दोबारा रिवाइज करें। मैम फॉर ऑल आई इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 टू n, ये जो ऊपर बार होती है ना ये बार, इसका या तो आप ना 1.3 डॉट लगा के n या 1, n लगा के बार लगाते हैं ना, जो का मतलब होता है 1 से लेकर n तक, ये मैथमेटिक्स में देख लेंगे। ओके मैम, या तो 1.... लगा के 3, n लिख दे या 1, n लिख के ना ऊपर बार लगा दे, इसका मतलब होता है 1 से लेकर n। अभी आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही है लेकिन जब आप भी क्योंकि अभी गए रहते हैं वो वाइट बोर्ड पे सारा सारा लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, आपने अपने हाथ से ये एग्जांपल करनी है, और जो मैंने छोड़ा हुआ ना स्टेप ये वाला स्टेप आपने करना है, इसका कंप्लीमेंट करना है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। स्किल अगर क्लियर नहीं होगा तो हम कल फिर इसको दोबारा देख सकते हैं ठीक है बच्चों। ओके मैम ठीक है, तो इसको अभी इतना ही आने दें, इसको पीछे वाला जो काम है थोड़ा सा वो करें एग्जाम्पल को, और ये वाला जो एग्जाम्पल है ना इसको आपने अपने हाथ से 2-3 दफा करनी है, और अब जो जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा ना उसको टिक कर ले फिर कल मुझसे पूछ ठीक है। लेकिन इसमें भी बेसिक जी बेटा मैम, इंटरसेक्शन में हम लोग फाइनाइट सेट और यूनियन में कोई भी कलेक्शन ऑफ सेट क्यों लेते हैं, ये डेफिनेशन ये वहां पे भी मैंने पूछा जी मैम, एक्सियम्स में हां एक्सियम ये खुद से डिफाइन किया हुआ, ये अगर ये आप जिस तरह ग्रुप में आप कहते हैं ना एसोसिएटिव हो क्लोज हो आपके पास यूनिट हो और फिर मर्ज हो, तो ये डेफिनेशन है इसकी कि इंटरसेक्शन फाइनाइट के लिए और यूनियन जो है वो आर्बिट्रेरी के लिए, ये डेफिनेशन है ठीक है। ये मैं कुछ नहीं मैं डिफाइन किया स्पेस के लिए ना डिफाइन किया ठीक है। अब आप लोगों ने ना इसको करना है बेटा, अब आप पता है क्या आप सारे लोग जो एक तो क्लासेस भी रेगुलर लिए थे ना दरमियान में जो है ना कोशिश किया करें कि फर्स्ट 10 मिनट्स में ना सारे लोग आ जाए, और ये आप लोग चाहते हैं ना कि आप अच्छे तरीके से आ जाए टोपोलॉजी और जो है वो सारे, अगर ये जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे ना एक्सरसाइज जो मैं देखती हूँ आप करें, जो आपको समझ नहीं आती है वो मुझसे पूछने यार अवेलेबल है ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं जहाँ पर भी पूछ सकते हैं लेक्चर शुरू करने से पहले भी ठीक है। जो 2-3 लेक्चर हो जाएंगे तो फिर मैं हर लेक्चर से शुरू 10 मिनट ना पिछले लेक्चर के लिए रखा तो उनकी उसमें क्या प्रॉब्लम अगर कोई रहा तो वो मुझसे पूछ, तो ये सबके लिए है। आप लोगों की जितनी भी 40-50 की स्ट्रेंथ है तो सारे जो लोग हैं बेटा आप लोग अपने हाथ से दोबारा नोट्स बनाएं, और जो मैंने छोड़ी होती हैं लाइंस आप लोगों के लिए इसको फिल करें, और फिर भी समझ नहीं आती तो मुझसे अगले भी पूछ ठीक है। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें ठीक है। मैम आपके माइक का इशू है बेटा, मैंने आपकी
मैम आपकी आवाज जो है ना जैसे बाकी टीचर्स की आती वैसे नहीं आती, मतलब ज्यादा क्लियर नहीं होती। मैम बीच में ना कुछ लफ्ज ऐसे आप बोल जाती है उसका पता नहीं लगता। चलो ठीक है मैं इसको दोबारा करूंगा, भी इससे पहले मैंने क्लास ली थी वो तो वैसे ठीक थी लेकिन मैं सर नेट में भी कई दफा हो जाता है। चलो मैं उसको भी माइक को भी देखती हूँ। मैडम मेरा भी एक क्वेश्चन, हाँ मैडम जो एग्जांपल में हम टॉ वन बनाते हैं, टॉ वन टॉ टू टू और टॉ थ्री, ये हम कैसे बनाते हैं? खुद ही बनाते हैं, खुद ही लिए एग्जांपल दिए ना, जब आप इसमें ग्रुप पढ़ते हो, आप ग्रुप पढ़ते हो ना जी, तो आप खुद से लेते हो ना ये वाला जो सेट है ये ग्रुप है कि नहीं है, तो वो एक ए बी सी थे ना, अब जितना यही वाले पीछे वाले एग्जांपल थे ये। मैडम मैं इसमें ये भी ले सकती हूँ, एक और ले लूँ एंटी सेट एक्स और ए सिर्फ ले लूँ ये वाला। अभी एक एग्जाम आगे वो आपने एक्सरसाइज टू करनी है तो वो इसके ऊपर, अभी ये तीन चार मैंने सेट लिए हैं कलेक्टिव, अभी तो उसे आपने कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ी हुई है, नंबर थ्री भी पढ़ी हुई है, मुझे बताएं कि ये इसके ए बी और सी तीन एलिमेंट है ना, इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? एट मैडम, एट तो सबसेट है ना, फिर उनकी कलेक्शन कितने आप जो एट जो एलिमेंट है उनकी वन की कलेक्शन टू की थ्री की फोर की वो कितनी बनेगी? 29 आपको पावर सेट में, फिर आपने उसके सबसेट्स की कलेक्शन दोबारा उसमें से लेने हैं, ठीक है, तो कितने हम ले सकते हैं उसमें से? उसमें से मैंने चार लिखे हैं सिर्फ, मैं तो बेशुमार हैं उसके सबसेट्स है ना, जिस तरह आठ है आठ इसके एलिमेंट, इसके सबसेट पावर सेट लेते हैं इसमें आठ एलिमेंट आते हैं, जब इसमें आठ एलिमेंट आ मैम ये सेट आपने मैम ये सेट आपने डेफिनेशन से बनाया है? नहीं मैंने डेफिनेशन की हेल्प से लिया है, हां मैंने उसके लिए ये बुक में दिए थे ना इसलिए मैंने यही लिया, आप उसके अलावा भी ले सकते हो। अभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, उसमें वो ए बी सी है जितना मैंने वो आपको पहला क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी जो थे दो एलिमेंट, उसमें आपने देखना था कितनी टोपोलॉजीज बनती है, ठीक है, अब इसकी भी बेशुमार टोपोलॉजीज बनती है, उसमें से उन्होंने तीन लिखी है, इस तीन के अलावा आपने और बनानी है टोपोलॉजी, ये ए बी सी सेट है ना, तो जिस तरह मैंने भी बताया कि एंटी सेट एक्स और सिर्फ में अगर ए ले लें तो ये भी एक टोपोलॉजी है, मैं एंटी सेट एक्स और सिर्फ बी ले लूँ तो वो भी टोपोलॉजी, एंटी सेट एक्स और सी ले लूँ वो भी टोपोलॉजी, और यहाँ पर मैं एंटी सेट एक्स ए और यहाँ पे बी की जगह सी ले लूँ फिर भी टोपोलॉजी। मैडम इसका कोई प्रॉपर वे नहीं है बनाने का? नहीं प्रॉपर वे क्या है मतलब कि कितना सकती हैं? नहीं इसका नहीं है ना, वही आगे एक्सरसाइज है वो चीज तो मैंने भी आपको बाद में बनानी है, मैंने ये पहले बनाया, तो इसका ये नहीं है कितनी बनेगी आपको चेक करनी पड़ेगी, इसका कोई फार्मूला नहीं। वैसे मैम हम लोग यहाँ पे तो 4 नहीं लिख सकते? 4 भी लिख सकते जो मर्जी ले लो, आपने नोटेशन दे दी, आप चाहे यहाँ पर एक्सक्यूज मी मैम, ये जो हमने टा 1 टा 2 टा 3 बनाए हैं तो हम जो तीन प्रॉपर्टीज एंजाइम्स हमने होल्ड करवाने होते हैं और टोपोलॉजिकल स्पेस प्रूव करने लिए, तो हम ये तीनों इन सब पे अप्लाई करके देखेंगे, टा 1 पे भी तीनों करेंगे, टा 2 पे भी, हाँ, 3 भी, ऐसे हाँ ये ऐसे ही है, तो मैंने आपको बताया ना कि इसको चेक कर देखना, ये नहीं है क्योंकि इसमें यूनियन वाली नहीं हो रही। अब आपने ना ये जो तीन मैंने बनाई है ना, आपने तीन और बनानी है टोपोलॉजी इसके अलावा ए बी और सी पर, ठीक है, एक्स ए बी सी है, ये मैंने तीन तो बनाई है ना, आपने तीन और बनानी